डोमेस्टिक शिप्स के लिए अब ये गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे क्रूज के लिए आप सिंगापुर, मलेशिया या फिर यूएसए या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज जाते हो, दे वांट कि भैया आप इंडिया में भी क्रूज शुरू हो। और जब वो इंडिया की बात कर रहे हैं, आप बोलो इंडिया में कहाँ समुद्र आ गया, इंडिया के आसपास जो समुद्र है वो कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है, जो ईईजेड है, वो इंडिया का पार्ट है। काइंडली अप्रिशिएट, जो इंडिया की डेफिनेशन है 1987 में चेंज हो गई थी, तो काइंडली अप्रिशिएट करे वो 100 नॉटिकल माइल्स की बात कर रहा है इस टाइम पे, राइट। तो वो वहां तक हम इंडिया है, 100 भी रहते 200 नॉटिकल माइल्स है, राइट, अगर आप इंडिया की डेफिनेशन ढंग से पढ़े तो। की वॉज इंडिया वॉन्ट की इंडियन गवर्नमेंट वॉन्ट की भैया क्रूज यहाँ पे भी चलें। अब इन्होंने क्या किया है, एक सेक्शन 44 BBC लेके आए हैं, नया प्रोविजन है। अब इसमें मैं एक दो इश्यूज बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 BBC में इन्होंने बोला कि 20% लगेगा ऑफ द जो इनकम रिसीवेबल है या फिर जो पेबल टू दैट पर्टिकुलर जो नॉन रेजिडेंट कंपनी है जो ये क्रूज चला रहा है, तो 20% उसकी प्रेजेंटिव इनकम मान ली। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये सेक्शन सर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? सर काइंडली अप्रिशिएट, एक जजमेंट थी ए सन्यासी राव, आपको ध्यान होगा सर। और ए सन्यासी राव में क्या था सर, जहां पे सर इंडियन मेड लिक्वर को सर टैक्स किया था 40% पे, और वहां पे उसने बोला था भाई साहब मैं तो रियल इनकम पे टैक्स देना चाहता हूं, एंड देयर इज नो फॉर्मूला व्हिच हैज बीन गिवन टू कंप्यूट रियल इनकम। तो सर ए सन्यासी राव में सर पहली बार इनकम टैक्स का पर्टिकुलर सेक्शन को सर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर दिया था सर, क्योंकि आपको रियल इनकम निकालने का तरीका नहीं है। इसीलिए आप देखोगे 44 AD, 44 ADA, 44 AE या फिर पुराना 44 AF था, सब में एक तरीका दिया हुआ है कि या तो आप इस इनकम पे दे दो, अदरवाइज बुक्स अकाउंट बनाओ, ऑडिट कराओ और रियल इनकम पे टैक्स दे दो। सर सेम बात आप देखोगे 44 BB में भी दी हुई है, 44 BBB में भी दी हुई है। पर तीन सेक्शन में जब इसे पढ़ रहा था, जो तीन सेक्शन में दिक्कत है, वो सेक्शन क्या क्या है, एक 44 BBC, एक 44 B और एक 44 सर BBA, मतलब प्लेन वाले BBA प्लेन हो गया एरोप्लेन, और B हो गया आपका शिप का, हो गया अगेन दिस शिप। तो कहीं ना कहीं दो, मुझे लगता है जिस तरीके से ये स्कीम मनी है, ये तो ऐसा लग रहा है कि डिस्कस हो गई स्कीम मनी है। व्हाइट इज सो, उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपका शिप आप किससे ले रहे हो, किसी सब्सिडरी कंपनी से ले रहे हो, मतलब मैं भी एक सब्सिडरी हो गया सर, और पंकज भी मान लो सब्सिडरी हो गया जिससे शिप ले रहा हूं मैं, राइट, और उसकी होल्डिंग कंपनी कौन साहब आप हो, हम दोनों की। तो ऐसे केस में अगर मैं शिप पंकज से ले लेता हूं, तो ऐसे केस में पंकज की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। मैं फिर से बोल देता हूं सर, आप होल्डिंग कंपनी है सर, मैं आपकी सब्सिडरी हूं, पंकज भी आपका सब्सिडरी है, और मैं क्रूज इंडिया में ऑपरेट करना चाहता हूं, और मैंने शिप किससे लिया, पंकज से लिया है, तो जो मैं पंकज को रॉयल्टी दूंगा, पंकज को रॉयल्टी दूंगा, तो ऐसे केस में वो इनकम या फिर जो भी इनकम मैं दूंगा वो टैक्सेबल नहीं होगी। अब क्वेश्चन उठता है वो 10-15 B में इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर 10-15 B नहीं लग पाया किसी वजह से तो क्या होगा सर? ऐसे केस के तो दो बहुत बड़े इश्यू आएंगे, आपको ये चेक करना पड़ेगा वो जो शिप लीज पे दी है वो ड्राई लीज है या वेट लीज है। अगर वो ड्राई लीज है तो सर रॉयल्टी, अगर वेट लीज है तो सर पी बन पाएगा, परमानेंट सब्सक्रिप्शन बन जाएगा सर। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा ड्राई लीज है या वेट लीज है। पर जब तक 10-15 B काम हो रहा है, क्योंकि इनकम भी एग्जम्प्ट है, तो पी वाला कंसेप्ट आ नहीं पाएगा हिसाब से सर। जी अब सीएटी पील में दे हैव अ पावर, सीएटी पील के पास एक पावर है, पहले क्या था, सेट असाइड की पावर नहीं थी, सेट असाइड पावर वाज जी नेवर बीन बिल्कुल देयर। बिल्कुल नाउ अब हो क्या रहा था, अभी पीछे आई वाज अपीयरिंग विद इन दिल्ली हाई कोर्ट, यशवंत सर साहब की बेंच थी, तो सर ने, माय लॉर्ड ने ये बात बोली कि 6.5 लाख, 6.5 लाख सीएटी पील पेंडिंग है ऑल ओवर इंडिया। अब 6.5 लाख का मतलब क्या है, अब इन्होंने क्या किया है, अब जो क्लॉज में क्या डाला है, देखिए दो इश्यूज हैं, एक जो सर इशू कवर करेंगे, इशू को मैं साथ के साथ कवर कर रहा हूं। अब उन्होंने बोला कि जहां पे आप सीआईटी पिल में क्यों गए हैं, कि बिकॉज आपकी जो असेसमेंट 144 में हुई है, अब क्योंकि पहले देर वॉज नो पावर टू ऑफ सेट असाइड विद सीआईटी पिल। नाउ जब सीआईटी पिल पर सेट असाइड की पावर नहीं थी, तो ऑफिस बात है उसको तो सारे डॉक्यूमेंट एओ बन के देखने ही पड़ते थे, सबको देखने पड़ते थे। नाउ द पावर वॉज गिवन टू हिम, जहां पे उसको लगे अगर 144 में हुआ है, और 144 में इस वजह से नहीं हुआ कि आप नीचे अपेयर नहीं हुए और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, या जो भी आपने रीजन दिया, जो रूल 46 के हिसाब से आपने वो डॉक्यूमेंटेशन भी दी होगी, एविडेंस भी दिए होंगे, तो उसके हिसाब से उसको ठीक लगता है, तो ही कैन सेट असाइड। ये सेट असाइड वही करेगा जो 144 वाले केस में, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, राइट। अब मुझे लगता है जो आने वाले टाइम पे जो 6.5 लाख जो असेसमेंट्स हैं, जो सीआईटी पील या जेसीआईटी की वजह से पेंडिंग है, वो दो तरीके से साफ होंगी सर। एक तरीका तो ये होगा 144 वाली तो दोबारा सेट असाइड कर दी जाएगी नीचे। दूसरा सर, जो आप
सर विवाह से विश्वास लेके आए हो, तो वहां से खत्म होगी सर। ठीक बिल्कुल बिल्कुल, है सर, तो गवर्नमेंट का आइडिया भी बिल्कुल सही आप कह रहे हो इस बारे में।